आइए, आपका स्वागत है। काफी सारे लोग मेरे पास में आते हैं और पूछते हैं कि वीर्य गंवाना अच्छा है, वीर्य कितना गंवाना चाहिए, क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में चलो आज बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त अग्नि महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी सारे वीडियोस, बड़े बड़े स्पीकर्स होंगे उनके यूट्यूब के ऊपर या और कहीं कहीं आपको मिलेंगे, और जहां उन्होंने बोला है कि वीर्य गंवाना अच्छा नहीं है, आयुर्वेदा में ये बोला है वीर्य गंवाना अच्छा नहीं है। मैं हरदम ये बोलता हूँ, मेरे पहले भी वीडियोस में ये बताया मैंने कि वीर्य जो है वो गंवाना या नहीं गंवाना सवाल ही नहीं आता, वीर्य को अंदर रखने के लिए जगह ही नहीं है। पेट में सेमिनल वेसिकल्स नाम की दो छोटी छोटी थैलियाँ रहती है, जो नीचे टेस्टिकल्स है, अंडकोश, वहाँ से जो स्पर्म्स निकलते हैं तो वो पूरा अपना ट्रैवल करते हैं, और वो पूरा ट्रैवल करते 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 सेमिनल वेसिकल में आके जमा हो जाते हैं। वो ट्रैवल करते करते कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो ग्रंथियाँ हैं, इसका सिक्रेशन उसमें मिलते जाता, और कुछ जो धातु है वो सेमिनल वेसिकल में जमा हो जाता। अब वहाँ से वो शिश्न के जरिए धातु या वीर्य बाहर निकलता है। ये जो है ये बाहर निकल नहीं है उसने, क्योंकि अंदर रुकने के लिए जगह ही नहीं है, तो वो एक तो रात को निकलेगा सपने में, जिसको हम नॉक्चर्नल एमिशंस बोलते हैं, स्वप्न दोष, एक्चुअली वो दोष नहीं है मगर उसको बोलते हैं। दूसरा हो सकता है कि शौच करने के समय, लैट्रिन करने के समय प्रेशर देके यदि लैट्रिन हुई तो उस समय शिश्न के द्वारा, लिंग के द्वारा वीर्य निकलता है, या पेशाब के पहले निकलता है, पेशाब के बाद में निकलता है, या फिर हस्तमैथुन के जरिए निकलता है, या फिर जब सेक्स संभोग करते तब निकलता है। तो वीर्य ने बाहर निकल नहीं है। वीर्य कोई अपने शरीर में ताकत पैदा नहीं करता, वीर्य से कोई एनर्जी आती नहीं है। वीर्य ये जो है वो गंवाने वाली चीज़ है, वो वेस्ट करने वाली चीज़ है, उसको वेस्ट ही करना है, उसको रख के कुछ फायदा नहीं है। वीर्य हरदम तैयार होते रहता। मैं हरदम बोलता हूँ कि लार जो है, सलाइवा, वो हमने कितनी बीमार थूका तभी लार तैयार हो जाएंगी, सलाइवा तैयार हो जाएगा, कितनी बार थूका तभी, पसीना कितने बार आया तभी पसीना निकलते जाएगा, पेशाब हरदम होते जाएगी, क्योंकि वो जो नहीं होना वो बाहर निकलेंगे। तो हमारे जितने भी छेद है वहां से सब बाहर निकलते जाते हैं जो शरीर को नहीं होना। वैसे ही वीर्य का है, वीर्य को शरीर में जरूरत नहीं है। वीर्य जिंदगी में दो या तीन बार काम में आता है, क्योंकि बच्चे दो तीन बार ही होते हैं। एक ml वीर्य में 60 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, एक ml में, वो 60 मिलियन, 60 दशलक्ष, इसमें से एक ही स्पर्म जो शुक्र जंतु वही काम में आता है, बाकी तो सब वेस्ट ही जाते हैं। सेक्स करने के बाद, संभोग करने के बाद में जब औरत उठ के खड़ी हो जाती है तो वीर्य अंदर जो गया हुआ है वो भी बाहर निकलता है। एक वीर्य का जो बूंद है वो 80 खून के बूंद के बराबरी का है, ये गलत है, ये सच नहीं है। तो आपने 2 ml, 3 ml, 4 ml वीर्य गमाया, इसका मतलब आपने उतना खून गमाया, ऐसा होता नहीं है। वीर्य ऐसा कोई प्रूव नहीं किया हुआ है कि वीर्य आप रखते हो अंदर तो आपको बहुत ताकत आती है, ऐसा कोई प्रूव नहीं है साइंटिफिकली। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, वीर्य नाश ही मृत्यु है, गलत है। आपने अपने बचपन में गलत आदतों से आपने यदि वीर्य गमाया होगा तो जरूर मिलिए, ऐसे अखबार में विज्ञापन आते हैं वो सब झूठे हैं, मिसगाइड करते रहते हैं, तो ये कुछ भी नहीं करना चाहिए। वीर्य गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हस्तमैथुन नॉर्मल है, हस्तमैथुन से वीर्य गया तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कम से कम उसमें सुख शांति मिलती है, और हस्तमैथुन करने से बाहर कोई लेडीज के पास में जाने की इच्छा कम होगी। इसलिए मैं हरदम बोलता हूँ कि शादी के पहले बिल्कुल हस्तमैथुन किए तो मन की शांति होगी, सेक्स की भूख कम होगी, इसमें कोई नुकसान नहीं है, उसमें कोई ताकत कम होती नहीं है, और वीर्य गंवाना कोई बुरी चीज़ नहीं है। जो अपने चीज़ को, अपने शरीर को नहीं होना है जो चीज़, वो चीज़ बाहर निकलेंगे निकलेंगे, तो इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। आपको ये वीडियो लोगों को शेयर करना है, सभी नौजवान लोगों को, क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे नौजवान लोग ही मेरे पास में आते रहते हैं और वो शेयर करते रहते हैं। फिर एक ऐसा क्लास है कि जो 40 की उम्र में जब उनको सेक्स कम हो जाता है तब वो रिलेट कर दे कि मैंने मेरे बचपन में बुरी आदतों की वजह से बहुत वीर्य गंवाया हुआ है और फिर इसके वजह से अभी मेरी ताकत निकल गई, ऐसा बोलते हैं। इसलिए सभी पुरुष वर्ग में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि लोगों का एजुकेशन होगा, लोग अपना जीवन खुशहाल से जिएंगे, क्योंकि वीर्य गया, इससे लोगों को डिप्रेशन आता है।
वीर्य बहुत निकल गया है, वीर्य वेस्ट किया है, इससे लोगों को सेक्स में प्रॉब्लम आता है, एक्चुअली वो होता नहीं है। तो इसलिए लोगों को ये शेयर करना जरूरी है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकॉन को क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।